गोरखपुर लोकसभा सदर भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने मंगलवार को नामांकन किया। नामांकन के दौरान की फोटो के साक्ष्य बताकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने समर्थकों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव से रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय गोरखपुर लोकसभा सदर के कार्यालय में लिखित शिकायत किया। प्रहलाद यादव ने कहा कि 5 प्रस्तावकों से अधिक लगभग दर्जन भर प्रस्तावक रिटर्निंग अफसर जिला अधिकारी न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहे। ऐसे प्रत्याशी के ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, प्रवेश द्वार पर ही बाहर आपने लिखा है कि 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। आयोग का कहा है अपने 8 लोगों की फोटो है और अच्छा दाखिल कर रहे हैं। सीधे जिलाधिकारी महोदय के कक्ष में हैं, जिलाधिकारी महोदय भी बैठे हैं, ADM साहब भी बैठे हैं और 3 नज़र आ रहे हैं। 5 का जब अनुमन्यता है तो 8 नज़र आ रहे हैं और 4-5 तो इधर किनारे हो गए हैं। ये सारे लोग आते तो 12 लोग शिकायतें हैं कि मैंने फोटोग्राफ्स निकाला है जिलाधिकारी निर्वाचन के कक्ष में, जो पर्चा दाखिल हुआ है 64 लोकसभा गोरखपुर का, उसमें सत्ताधारी दल के BJP के प्रत्याशी रवि किशन जी अपने दर्जनों साथियों के साथ प्रवेश किए और उन्हें कोई रोका तक नहीं उनके डर से कि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के ये प्रत्याशी हैं। तो जब सत्ताधारी दल के प्रत्याशी से ये आतंक है कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियों उड़ाई जा रही हैं, उसका पालन नहीं करवा पा रहा है गोरखपुर का प्रशासन, तो ऐसे में उस फोटोग्राफ्स को लेकर के हम लोग गए हैं, शिकायत किए हैं। हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, हम ऐप पर भी डालेंगे माननीय निर्वाचन आयोग के, और हमने मांग करी है कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो, FIR दर्ज करके और इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो जो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने है। प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में बाकायदा CCTV कैमरे लगे हैं और इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ अपना खबर दिखा चुका है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर न्यूज़ के पास BJP प्रत्याशी के नामांकन के दौरान की वीडियो फुटेज है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि निर्वाचन कक्ष में रवि किशन के साथ सिर्फ 5 लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुए। अलबत्ता जब जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, तो एक अन्य शख्स जो अपने हाथों में रजिस्टर लिए रवि किशन के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए SDM सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने उस शख्स को बाहर कर दिया। बचे केवल मीडिया कर्मी ही थे जो इस हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम गोरखपुर न्यूज़ के कैमरे में कैद है। बहरहाल राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन कैमरे की फुटेज के कारण आरोप का यह तीर हवा में चल गया। रवि किशन जी उत्तर इधर है, इधर इधर अरे उधर दक्षिण है, इधर उत्तर।